शाह प्रसाद जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। अरे पेट का गड़बड़ी रहता है, पेट चाहे पैखाना ठीक नहीं होता है, दवाई खाते हैं पेट के पास सब पैखाना होता है। उम्र कितनी है आपकी? 70 बरस। जी, मोशन पास होने में दिक्कत। अच्छा देखिए, मोशन सख्त हो जाना, मोशन मुश्किल से होना, मोशन कई कई दिन में होना या किसी को एक हफ्ता लग जाता है, तो तरह तरह के मर्ज हैं मोशन के भी। सबसे पहले तो कोशिश करिए कि बादाम या अरंडी का तेल, बादाम या अरंडी का तेल यानी जिसे कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, ये 2 चम्मच गरम दूध में मिलाकर दिन में एक बार लेना शुरू करें। इससे भी लोग अपनी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और अगर और बहुत बड़ी कोई परेशानी है तो मैं अक्सर बताता हूँ कि सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें 100 100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रखें। और एक आता है नमक जैतून, ये 2 चुटकी नमक जैतून 1 चम्मच इस पाउडर में मिलाकर सुबह शाम पानी के साथ खाया करें तो भी फायदा होना मुमकिन है। हम देख रहे हैं कि अब मौसम बदल रहा है, अब धीरे धीरे करके गर्मी जा रही है और ठंड का आगाज हो रहा है, तो ऐसे में हम अपना ख्याल कैसे रखें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे रखें घरेलू नुस्खों के जरिए? देखिए, जिनमें इम्यूनिटी यानी कुव्वते मुदाफियत या रोग प्रतिरोधक शक्ति कहिए कम होती है, उसकी निशानी यह है कि उस शख्स को बार बार खांसी, नज़ला, छींकें, बुखार आता है और कमज़ोरी महसूस करता है। खांसी, नज़ला, छींकें, बुखार, तो उसको चाहिए कि अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को ज़रूरत के बराबर कर ले। अब उसके लिए क्या नुस्खे हैं, जैसे शिलाजीत है वो आप ले सकते हैं, आधा या 1 ग्राम रोज़ाना। और एक नुस्खा बहुत अच्छा है जो मैं अक्सर बताता हूँ, वो नुस्खा फिर बता देता हूँ। सपिस्तान यानी लिसोड़ा, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये तीनों चीज़ें 100 100 ग्राम लें और इसमें 30 ग्राम पीपलें मिलाएं। पीपलें जिसे हिंदी में पीपला मूल कहते हैं, गरम मसालों में एक इतनी लंबी 1 1.5 इंच की एक बड़ी खूबसूरत सी फाइल होती है जिसे पीपलें कहते हैं, 30 ग्राम ये मिलाएं, इन्हें पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, गर्म पानी से खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपकी कुव्वते मुदाफियत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, फेफड़ों को साफ रखता है, फेफड़ों को दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिसमें ये पावर यानी इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, वो शख्स कुदरती तौर पर ही बीमार कम पड़ता है। अंशिया जी हैं लाइन पे, बोलिए, प्रश्न हेलो। करिए। हाँ मैडम, मुझे ना, जी, आप मेरे मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, सवाल करिए। जी, मैंने टीवी का काम कम कर दिया। जी मैडम, 1 साल पहले ना मुझे
पैरालिसिस हो गया था. तो फिर मेरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एडमिट थी 10 दिन. वहां जो हुआ हुआ, फिर घर आके मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया. तो उससे मुझे लाभ तो हुआ, लेकिन मुझे ना अभी घुटनों में बहुत दर्द, हाथ पैर बिल्कुल जैसे ना अकड़ जाते हैं, नसें खिंचने लग जाती हैं. उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 65 साल. अच्छा देखिए, क्यों ना मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं जो आपके पूरे खानदान के काम आए, पूरे परिवार के. ये दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधि कहलाती है. इसे कहते हैं गौन स्याह. स्याह कहते हैं काले को, काला गौन या गौन स्याह. लेकिन ये शर्त है कि आप असली ले लें इसको. बेशुमार नकली लोग बेच रहे हैं और ये गौन स्याह बहुत सस्ता इलाज है. 1 ग्राम 15-16 रुपए का आ जाता है. आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम खाएं. गौन स्याह, काला गौंद, और नाश्ते के बाद आधा ग्राम खा लें, यानी तकरीबन 2 चुटकी. आधा ग्राम मतलब 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद खा लें और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद खा लें. दूध या पानी से लेना बेहतर है. खाने के बाद खाएं तो ज़्यादा अच्छा है. ये पैर अकड़ जाते हों, घुटने अकड़ जाते हों, कमर अकड़ जाती हो, पिंडलियों में दर्द हो, थाइज में दर्द हो, मोंडों में, गर्दन में, किसी भी जोड़ के दर्द की, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधि है अगर आप इसे असली इस्तेमाल करें तो. मोहम्मद इलियास साहब, स्वागत है आपका. हम ये कह रहे थे कि ये लीवर के नीचे बुखार आया है, इसमें दर्द हो रहा है, इसके लिए क्या करें? क्या उम्र है मरीज की? 27 साल. सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस हो रहे हैं ये लीवर और किडनी, जिसकी वजह से पेट भी मुतासिर होता है, और लीवर इन्फेक्शन की वजह से बुखार भी आता है. तो एक आता है नमक जैतून. नमक जैतून ये आप असली खरीदें, नकली मत ले लेना, नकली भी बहुत बिकता है. नमक जैतून 2 चुटकी 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें तो आपकी लीवर की समस्या और लीवर से ताल्लुक से जो बुखार आता है उसकी समस्या, पेट की समस्या, एसिडिटी की समस्या, कब्ज की समस्या, किडनी की समस्या, स्किन की परेशानी और बहुत सारे रोगों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. संतोष जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका. हेलो, मेरा नाम संतोष है. जी मैम बताएं. मेरे ना टांगों और घुटनों में दर्द होती है शरीर को. कब से दर्द है ये आपको? मेरे को हो गया 2-3 महीने हो गए. उम्र कितनी है? मेरी उम्र यही है 65. हाँ जी ठीक. संतोष जी देखिए, दर्द और इस उम्र में जिसमें आपको है, अब तो इससे पहले ही होने लगा. 40 के बाद किसी को भी दर्द, जोड़ों में, घुटनों में, पिंडलियों में, थाइज में, कमर में, मोंडों में, कोहनियों में. तो मैं आपको क्यों ना दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधि बता दूं. दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ों के दर्द की औषधि का नाम एक गौंद स्याह. गौंद स्याह एक ऐसी औषधि है जो अगर असली मिल जाए, इसमें नकली बहुत बिकती है, असली खरीद लें गौंद स्याह और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 2 चुटकी रात को खाने के बाद आप ये खाइए और अपने जोड़ों का दर्द भूल जाइए. ये दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधि
है अगर असली मिल जाए तो।